बढ़ते हैं आगे। बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्घा से जलार्पण होगा। गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर फिलहाल रोक ही रहेगी। सिर्फ पुरोहितों को ही प्रवेश की अनुमति मिली है। प्रवेश कर वो जलार्पण कर सकेंगे, लेकिन बाकी श्रद्धालु अर्घा सिस्टम से बाबा पर जलार्पण कर सकेंगे। हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। मनीष, ये तो खुशी की बात है तमाम भक्तों के लिए कि बाबा नगरी में अब वो जलार्पण कर सकते हैं, लेकिन अर्घा सिस्टम से गर्भगृह में अभी भी इजाजत नहीं मिली है। और किस तरह के सुरक्षात्मक इंतजाम वहां दिख रहे हैं? देखिए आशा, पहले हम बात करेंगे कि आज जो पूजा हुआ, कैसे पूजा हुआ। सीधे हमारे मंदिर से जुड़े हुए प्रशासनिक से हैं, पुरोहित भी हैं। मिश्री बाबा, आज पूजा किस तरह से किया गया? सवेरे पट खुला, काचा जल हुआ, उसके बाद सरकारी पूजा हुआ। 7 बजे तक पंडे बाबा लोग को पूजा किया गया। 7 बजे के बाद अर्घा सिस्टम से, 10 बजे तक अर्घा सिस्टम से पूजा हुआ, उसके बाद फिर बंद हो गए। जो अर्घा में जल डाले और दूर से दर्शन करें, मंझला खंड से ही दर्शन कर जाए, अंदर गर्भगृह में नहीं जाने का है, अर्घा में ही। जिस तरह सावन में, पिछले सावन में, उससे पिछले सावन में अर्घा से ही यात्री पूजा होते था, गर्भगृह में जाने का परमिशन नहीं है। जल चढ़ाकर दर्शन कर जाए। मतलब कि जो ई पास से जो लोग, जो भी श्रद्धालु आए, वो सिर्फ गर्भगृह के बाहर ही खड़े रहे, उन्होंने वहाँ जल अपना जल डाला और वो जाके मंदिर गर्भगृह पे गए। जी हाँ, यही ये स्पर्श नहीं कर सकते, स्पर्श अभी नहीं कर सकते हैं जब तक कुछ नहीं, कुछ आ जाती है। जब तक सरकार की कुछ नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट को जो ऑर्डर जो आई है, दर्शन ही करा रही है और जल अर्घा द्वारा जल भी। जो लोग हैं वो यहीं से जाके प्रशासनिक भवन से, हाँ इधर से प्रशासनिक भवन से ही ऊपर से, और जिसके पास पास सिस्टम है, ई पास की व्यवस्था है, वही आदमी जाकर दर्शन जल चढ़ा रहे हैं। आसिया, ये यही व्यवस्था है। हम आपको बता रहे थे कि अर्घा का अर्थ यह हुआ कि अब आप गर्भगृह के अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे है, और शायद यही वजह है कि यहाँ सब लोग आते हैं और बाबा को स्पर्श करके, मत्था टेक करके, छू करके, स्पर्श मतलब टच करके यहाँ अनुमति है। देश में किसी भी ज्योतिर्लिंग में कहीं आपको इस बात की अनुमति नहीं है, और यही वजह है कि बिहार, झारखंड, यूपी, तमाम पूरे देश के हर कोने से साउथ इंडियन भी यहाँ इसीलिए आते हैं, ज्यादा लोग, कि बाबा को स्पर्श करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो लेकिन अब जो व्यवस्था नहीं हुई है उसके तहत यह हो गया कि अब श्रद्धालु जो भी आएंगे, भक्त, ई पास के जरिए ही यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खड़ा होना पड़ेगा, गर्भगृह के बाहर से ही मुड़ जाना होगा, वहीं पर जरार पर जल पात्र लगाया जाएगा। और ये व्यवस्था के दौरान भी की जाती है ताकि वैसे श्रद्धालु जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो थके मंदे हैं, जो लंबी लाइन में देर तक खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए जिला प्रशासन सरकार हमेशा करती रही है, ताकि जो बुजुर्ग, बीमार, जो थके मंदे, उनको बाहर में निकास द्वार के पास लगाया जाता है। तो ये एक व्यवस्था हुई। और आशिया, आप आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट इस बात की फैसिलिटेट करे, अगर हो सके तो दर्शन कराए, जलार्पण नहीं, क्योंकि एक यहाँ बात यह कहना इसे जरूरी है कि शिवालयों में जलार्पण की परंपरा है, और शिवालय में शिव जी जल के ही जल ही चढ़ाया जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील भी कहे या डिफेंट के भी वकील, उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, ये उनकी हो सकती है, लेकिन दर्शन शब्द कहा गया और दर्शन की बात ही कही गई। यही वजह है कि अब दर्शन की बात, अब जलार्पण नहीं, जलार्पण करेंगे भी तो आप सीधे आत्मालिंग पर नहीं, आप एक पात्र में डालेंगे और वो पात्र वहां जाकर के सीधे बाबा पर वो चढ़ता है। तो ये एक व्यवस्था है, ये नई व्यवस्था है। लेकिन मुझे लगता है आसिया, जो ये नई व्यवस्था है, जब दर्शक जो इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका थोड़ा मन छोटा होगा, मायूस होंगे, क्योंकि बाबा को स्पर्श करने की अनुमति यही है और लोग स्पर्श की पूजा यहाँ मिलती है। आसिया, फिलहाल तो मनीष, कोरोना काल में ये संभव फिलहाल नजर नहीं आ रहा है कि सबको गर्भगृह में स्पर्श करने की अनुमति मिले। कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता भक्तों को। बिल्कुल आसिया, क्योंकि देखिए सरकार, माननीय कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर सरकार ये चाह रही थी कि धीरे धीरे हम चीजों को पटरी पर लाएं, क्योंकि भारत जो देवघर की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से मंदिर पर आधारित है और मंदिर के आसपास ही उद्गिर्द घूमती है, पुरोहित समाज हो, बाहर में जो मल्हार है, जो माली का काम करते हैं, जो फूल बिलपत्र बेचते हैं, जो बेड़ा व्यवसायी है, उसके अलावा जो छोटे छोटे दुकानें हैं, उसके बाद होटल, लॉज, धर्मशाला, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, ये पूरी जो अर्थव्यवस्था है देवघर की, ये पूरा पूरा तो ये जो अर्थव्यवस्था ये पूरी तरह से मंदिर के आसपास घूमती है। लेकिन
ये है कि अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ 200 लोग के आने से क्या इतना कुछ ये देवघर के बाजार में पैसा आ पाएगा जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा। दूसरी चीज है संकल्प करने का नहीं मिला, जो शिव गंगा जो है वहाँ पे संकल्प लोग करते हैं, ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण जब यहाँ आते तो वो भी पूजा करने से पहले शुद्ध किए थे और उनके ही मुष्टा प्रहार से उस शिव गंगा की उत्पत्ति हुई थी और वहाँ लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं तब जल अर्पण संकल्प लेते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, सिर्फ की बात के जरिए वो आ रहे हैं क्योंकि उनको कहा भी गया है कि आप आधे घंटे पहले आए, जो स्लॉट आपने दिया है उसी घंटे पे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, सभी उनका लिस्ट लगा हुआ है, वहां पर वो आएंगे आधे घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर 6 से 7 का समय है तो 6 से 7 में ही करेंगे, अन्यथा अगले में उनको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे। तो जो नियम कानून है जितनी शक्ति है, फिर यहाँ पास दिखाना है, यहाँ कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है, इस बात की तहसील होगी, तफ्तीश होगी कि वो झारखंड के ही है कि नहीं है ये भी। तो इन तमाम चीजों पे हो ये रहा है कि पुरोहितों को संकल्प करने का और बाकी चीजों का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित तौर पे। और दूसरे अलावा सारी दुकानें अभी बंद हैं, पेड़ा की दुकानें बंद है, लोहा का बर्तन यहाँ से देश के हर कोने कोने में जाता है, यहाँ का लोहा का बर्तन बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इन 200 के श्रद्धालुओं को जरूर खुशी मिल रही होगी बाबा का दर्शन करके। चलिए, लेकिन लेकिन उम्मीद है मनीष कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी देवघर की पटरी पर आएगी। 200 श्रद्धालुओं से ही शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ तो इसका फायदा जरूर आने वाले दिनों में दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरा एहतियात बरता जा रहा है, लेकिन बाबा पर अब लोग अर्घा सिस्टम के जरिए जल अर्पण कर सकते हैं।